सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज के सीरीज में मैं वापस से फ्लटर के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो भी नए हैं जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, आज का टॉपिक मेनली इस बारे में होगा कि हम फ्लैट बटन कैसे यूज करते हैं, हम किसी को जेस्चर देना हो तो कैसे देते हैं, मतलब कोई ऑन टैप जैसे चीजें हुई, मतलब कि किसी बटन पे क्लिक किया तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में काफी कुछ बात करने वाले हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड इफ यू वांट टू वॉच अबाउट दिस। और मैं आपको डाइस ऐप के थ्रू ही बताने वाला हूँ ये सब चीजें कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। हाँ गाइस, जो भी नए है उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम हर्ष है और मैं एक फ्रीलांसर और फ्लटर डेवलपर हूँ। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू फ्लटर मैं सभी साथ में शेयर करने वाला हूँ। और टू बी स्पेसिफिक, मैंने 2 से 3 कंपनीज में ऑलरेडी काम किया और 4-5 क्लाइंट्स को ऑलरेडी सर्व किया है। सो काफी वाइड एक्सपीरियंस है, 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस है फ्लटर में। आई विल शेयर ऑल द रोड ब्लॉक्स व्हिच आई कॉन्क्वर्ड ओवर माय जर्नी। और जस्ट स्टे विद मी, मैं आपको पूरा वैल्यू दूंगा। ये कोर्स जो है वो जीरो टू हीरो काइंड ऑफ कोर्स है। आप पूरा सब्सक्राइब करके देख सकते हो स्टार्टिंग से कि कैसा कोर्स है क्या नहीं है। पूरा फ्लटर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट है गाइस। आप ठीक से देखोगे ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप है, देखिए जाके एकदम मस्त है, ठीक है। सो लेट्स गो। यहाँ पे गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस अभी ये जो बटन है, ठीक है, बटन नहीं है अभी ये डाइस है, ठीक है। तो अब तक हमने ये डाइस का ऐप तो बना लिया था, बट यहाँ पे हम कुछ फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं जहाँ पे यूजर्स इंटरेक्ट कर सके ऐप से, ताकि मतलब कुछ ना कुछ तो हो ऐप, मतलब ये ऐसे खाली ऐप क्या काम का। सो लेट्स गो विद इट। यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, देयर्स अ विजेट। हाँ, मैं आपको वापस से डॉक्यूमेंटेशन के और तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। सो जस्ट टू मेक यू फेमिलियर विद इट, ओके, जस्ट टू मेक यू मोर फेमिलियर विद इट, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बिना गाइस नहीं आगे बढ़ोगे बिना तो मतलब यू वोंट फील इट लाइक, मतलब डॉक्यूमेंटेशन इज क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। सो जस्ट गो देयर, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं डॉक्यूमेंटेशन रेफर करता हूँ जब भी कुछ भी होता है, तो आई ऑलवेज रेफर डॉक्यूमेंटेशन। सो गाइस यहाँ पे आई विल बी यूजिंग समथिंग नोन एज, पहले उसको फ्लैट बटन बोलते थे, बट फ्लैट बटन अभी डेप्रिकेट हो गया है, मतलब अभी भी यूज तो कर सकते हो बट रिकमेंडेड बाई फ्लटर नहीं है। नाउ देयर इज अ ऑल्टरनेट विच इज शोन ऑन द वेबसाइट नोन एज टेक्स्ट बटन। Let's go and see it on the website first. देखो यहाँ पे मैं flat button का class पे भी आया हूँ, but यहाँ पे बोल रहे this class is deprecated. Please use text button instead. तो हम text button के ऊपर जाते हैं। Guys, text button के ऊपर मैं आ गया हूँ, और text button के ऊपर आने के बाद में ये बोलता है कि material design का text button है, ठीक है, material design का text button है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे हमको दिखाया भी ये कुछ ऐसा दिखता है, इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा होगा, डिसेबल्ड है, ये इनेबल्ड है, मतलब ये जो स्टार्टिंग से रहता है ना वो ऐसा रहता है। ग्रेडियंट वाला कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा है, मतलब टेक्स्ट बटन ये रहा ग्रेडियंट वाला। यस यस यस, यहाँ पे ग्रेडियंट लिखा हुआ है। सो ये रहा ग्रेडियंट वाला। यहाँ पे स्टाइल फॉर्म को यूज करके, यहाँ पे स्टाइल फॉर्म नामक एक काइंड ऑफ बोल सकते पैरामेट्रिक एक्सेस करते हैं हम उसको, स्टाइल फॉर्म को यूज करके यहाँ पे पैडिंग भी दे दी और साथ साथ में व्हाट वी कॉल ग्रेडियंट भी यूज करे। तो ये स्टाइल फॉर्म का ये तरीका का प्रकार है गाइस, इट्स जस्ट अ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो लेट्स गो विद द नॉर्मल थिंग जो कि यहाँ पे है। देख, एक सेकेंड रुकेगा, एक सेकेंड रुकेगा। यहाँ पे यस, सो गाइस यहाँ पे टेक्स्ट बटन जब मैं पहली बार एक्सेस करना चाहता हूँ, देखो ये मेरा यहाँ पे डाइस रहा, ठीक है, ये डाइस है मेरा। तो हम एक काम करेंगे, ये जो डाइस है, डाइस का जो पेरेंट विजेट है, अभी मैं कंट्रोल प्लस डॉट दबा रहा हूँ, आई एम ऑन VS कोड, और मैंने कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करने बताए हैं, आप प्लेलिस्ट में 2 सेकेंड या फिर 3rd वीडियो में जाकर देख सकते हो वहाँ पे एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे विजेट को पैरेंट बनाया, और पैरेंट बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट बटन, ठीक है, टेक्स्ट बटन मैंने इंसर्ट कर। यहाँ पे गाइस ये लाल लाल आ रहा है, दिस इज रेड बिकॉज ऑफ एरर लेंस, यहाँ पे एरर लेंस की वजह से लाल लाल हो रहा है। और एरर लेंस क्या बोल रहा है गाइस, लेट्स सी व्हाट एरर लेंस हमको क्या बोलने जाता है, कि भाई ऑन प्रेस जो है ना वो रिक्वायर्ड थी। अभी लेट्स सी ये ऑन प्रेस क्या है, और हमको पता कैसे चलता है कि रिक्वायर्ड है और नहीं है, ये सब पता कैसे चल रहा है।
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस बोल रहा है कि एक रिक्वायर्ड है। तो आप कभी भी टेक्स्ट बटन को जब आप यूज करना चाहोगे ना, तो आपको ऑन प्रेस नाम का एक पैरामीटर है वो यूज करना ही पड़ेगा। मतलब ऑन प्रेस ये क्या क्या बताता है कि ऑन प्रेस बोलता है कि भाई इस विजिट को प्रेस करने के बाद में करना क्या है, ठीक है, इस विजिट को प्रेस करने के बाद में करना क्या है। तो यहाँ पे मैं ऑन प्रेस को कॉल कर लेता हूँ, और कॉल करने के बाद में अगर आपने पहले भी प्रोग्रामिंग की है तो प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि व्हाट वी कॉल, जो भी मतलब खाली भी हम फंक्शंस को लिखते हैं जिनको हम बोलते हैं कि मतलब जिनको जिनको हम नेमलेस फंक्शंस में बोल सकते हैं, और मतलब मेनली दीज आर फॉर मतलब इनका नाम नहीं होता है, ठीक है, इनका नाम नहीं होता है, दीज आर जस्ट मतलब दीज आर जस्ट नेमलेस, ठीक है, यहाँ पे नेम नहीं है। देखो अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके पहले नेम भी डालते हैं, हाँ, तो यहाँ पे नेम नहीं है, अनोनिमस फंक्शंस, बेसिकली अनोनिमस, आई वाज सर्चिंग फॉर दिस वर्ड इन माय माइंड समथिंग बैक, सो ये अनोनिमस फंक्शन बिकॉज़ उनके नाम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइस, इसको रिटर्न को ना डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमको वैसे ये रिटर्न क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ ये अभी पता चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि ऑन प्रेस बटन है, अभी ऑन प्रेस बटन मैं इसको खाली भी रख के कंट्रोल एस प्रेस कर सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये जो बटन है ना वो थोड़ा सा छोटा हो गया है इससे, मतलब सॉरी ये इमेज जो है वो छोटा हो गया है इस इमेज से। भाई ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा ना, तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये अपना टेक्स्ट बटन आता है ना उसका मैं आपको पैडिंग दिखाऊंगा, तो इसका पैडिंग देखिए, जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग आता है ना वो देखिए इसमें दिखाएगा कितना आता है, मतलब सॉरी ये जो पैडिंग होता है इसका पूरा ट्री को अपन जाके अंदर से देखेंगे ना, मतलब टेक्स्ट बटन के अंदर जाएंगे और बाद में वहां से जाके देखेंगे चीजों को, तो दिख जाएगी इसके अंदर की पैडिंग के अंदर क्या हो रहा है, मतलब हमको बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली अंदर जाना पड़ेगा, बट मैं आपको सिंपली बता देता हूँ बारी बार कि भाई इसमें भी पैडिंग यूज हुई है, और पैडिंग इसका जितना मुझे ध्यान है 16 तक है, ठीक है, 16 तक है इसका पैड। सो there is no need to worry, अगर हमको ये चीज को सही करना है तो हमको काउंटर में क्या करना पड़ेगा, काउंटर में we don't have to do anything but we just need to remove this। तो मैंने इसके ऊपर control plus dot दबाया और यहाँ पे remove this widget पे क्लिक किया और control s कर दिया, let's see what happens। तो मैंने save दबाया, कभी कभार थोड़ा सा time ले लेता है, थोड़ा सा ज्यादा time ले लेता है, but that's okay, मैं क्योंकि अभी video भी कर रहा हूँ, मतलब मेरा video भी shoot हो रहा है और साथ साथ में ये भी हो रहा है, तो ओके, तो ये 16 के जगह मेरे ख्याल से 12 होता होगा, तो लेट इट बी फॉर अ चेंज, लेट इट बी, ठीक है, यहाँ पे ओके, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, हम सेम चीज ना यहाँ पे अप्लाई करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ सेम चीज अप्लाई करते हैं, विच इज हम एक काम करेंगे, पैडिंग को तो सरासर हटा ही देंगे दिस विजेट, और हम क्या करेंगे अभी इसको, अब हम इसको कंट्रोल प्लस डॉट दबाएंगे और इसके ऊपर रैप करेंगे विजिट को, इसका नाम देंगे टेक्स्ट बटन, और इसके अंदर भी हम ऑन प्रेस्ड इवेंट दे देंगे, जिसके अंदर हम अनोनिमस कॉल बैक कर देंगे, ठीक है, अनोनिमस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और हम कंट्रोल एस दे देंगे, हम कंट्रोल एस देते हैं गाइस, ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम क्योंकि ये बटन तो अब बन चुका है, ठीक है, ये दोनों चीजें बटन तो अब बन चुकी है, ये देखिए अब ये भी हो गया, ये भी बटन, दोनों अब बटन तो बन चुका है, बट यहाँ पे ना गाइस एक चीज है, हम कैसे देखें कि बटन है, मतलब उसका चेंज कैसे देखें, तो चेंज देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट, एज अ डेवलपर हम क्या करते हैं, काफी बार एरर जब भी आते हैं ना तो हम प्रिंट करते हैं, तो मतलब प्रिंट करके देखते हैं कि भाई कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे प्रिंट करके देख लिया जाता है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट ये तो मैं ऐसे बताता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट हम क्या करेंगे, लेफ्ट डाइस वॉज क्लिक, लेफ्ट डाइस वॉज क्लिक, हमने सेव किया इसे, ओके, ये सेव हो चुका है, अब हम क्लिक करते हैं लेफ्ट डाइस को, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
लेफ्ट डैश वॉज क्लिक, ये दिखा रहा है हमको, प्रिंट हो जाता है जितनी बार भी हम इसको क्लिक करेंगे ना, ये मतलब बढ़ता जाएगा। अभी देखिए मैं वापस से क्लिक करूंगा, यहाँ पे 2 के जगह 3 हो जाएगा, ये देखिए 3 हो गया। और ओके ये एक्सपांड नहीं हो रहा है, मैं जितनी बार भी इसको क्लिक करता जाऊंगा ना वो बढ़ता जाएगा नंबर, ये देखो बढ़ता जा रहा है 8, 9, 10, ठीक है। मैं जितनी बार भी क्लिक करूंगा उतनी बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है, कि लेफ्ट डैश वॉज क्लिक, लेफ्ट डैश वॉज क्लिक। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ गाइस, चैलेंज देता हूँ कि आप सेम चीज इसके साथ में करिए, वीडियो पॉज कर दीजिएगा और इसके साथ में करके देखिए कि राइट डैश वॉज क्लिक करके आना चाहिए। ओके जब तक आप करते हो तब तक मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ विच इज वेरी इंटरेस्टिंग जो भी नया है उनके लिए। गाइस वी आर फ्रॉम न्यूटन स्कूल एंड वी प्रोवाइडिंग अ सर्विस, सर्विस मतलब आपको हम एक चीज मतलब एक अल्टीमेट स्टेप देंगे आपके ड्रीम ड्रीम जॉब के टूवर्ड्स, मतलब और वो भी इनिशियली इट्स टोटली एट नो कॉस्ट, मतलब पूरा का पूरा नो कॉस्ट पे गाइस। यू जस्ट नीड टू मतलब आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है, आपको 0 फी पे करनी टिल योर प्लेसमेंट, आपका जब तक प्लेसमेंट नहीं होता ना आपको छोटी कौड़ी भी नहीं हम खोलने वाले पे करने, सो नो नीड टू मतलब फियर फॉर इट। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो आपको कौन कौन पढ़ाने वाला है, मतलब हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर है दे आर टॉप नॉच, दे आर फ्रॉम गूगल यूएस, मतलब गूगल में ऑलरेडी क्रैक कर चुके, जो इंटरव्यूज को क्रैक करके ऑलरेडी इन सब कंपनीज में बैठे हुए हैं वो सब आपको पढ़ाएंगे। गूगल यूएस से, अमेजॉन यूएस, सॉरी अमेजॉन से भी है, माइक्रोसॉफ्ट यूएस से भी है, गोल्डमैन सैक्स से भी है, इनट्यूट, सैमसंग, वीसा, जेपी मॉर्गन, ओरेकल, डीशॉ, फ्लिपकार्ट, व्हाट नॉट गाइस, यहाँ पे आप देखो तो इंस्ट्रक्टर एकदम टॉप नॉच है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ हमारे अभी जो स्टूडेंट्स है वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं, they are in sorry जो कहाँ पे काम कर रहे, they are from अभी वो Xiaomi में है, Qorfit में, Lenskart में है, Hmint में है, Meesho which is again a unicorn, मतलब अभी जो unicorn बन चुका है, 7-Eleven पे है, बाद में Rapido पे है, Dream Eleven का Splutter based app है, तो आप वहाँ पे भी सोच सकते हो। अगर आप ये tutorial देख रहे हो काफी आपको helpful होगा अगर आप Dream Eleven में job करने की सोच रहे हो। ओके गाइस लेट्स गेट बैक, अगर आपको गाइस आप मैं तो बोलता हूँ आपको कर लेना चाहिए यहाँ पे अप्लाई नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करके, यू मस्ट जस्ट मतलब आगे प्रोसीजर कर दो गाइस, फ्री है तो क्या ही डरना, मतलब ये आपका 5 लाख या फिर उससे ऊपर का प्लेसमेंट हो जाएगा ना, उसके बाद में छोटा छोटा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, नॉट मच, तो जस्ट मतलब यहाँ पे क्लिक कर दो। हाँ सो गाइस यहाँ पे मैं एक और बात बोलता हूँ आपको, यहाँ पे बात तो मैं ये बोल रहा था कि इसको मैं सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा एज यूजुअल, प्रोग्रामर्स का काफी मतलब ये फेवरेट चीज है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। तो मैं पेस्ट करने के बाद में इसको कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, कंट्रोल एस दबाने के बाद में यहाँ पे सिंकिंग आएगा, परफॉर्मिंग हॉट रिलोड सिंकिंग फाइल, सिंकिंग फाइल हो चुका है, सो लेट्स क्लिक ओवर हियर, यहाँ पे राइट डैश वॉज क्लिक, यहाँ पे लेफ्ट डैश वॉज क्लिक, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, देखो गाइस ये काम अभी कर रहा है पूरा का पूरा, इट्स फंक्शनिंग। बट गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जब भी यहाँ पे होवर करता हूँ फिर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा मतलब ऐसा ऊपर से शेड आके जा रहा है, सो इट्स थोड़ा बहुत विजिबल बट ये स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा लगेगा जो भी यूजर अभी इस ऐप को यूज करेगा उसे लगेगा कि ब्रोकन है, क्योंकि मतलब कुछ ऑन ऐप मतलब ऑन डिस्प्ले पे फंक्शनैलिटी नहीं दिख रही है, जो भी फंक्शनैलिटी दिख रही है हम डेवलपर्स को समझ में आ, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि हम ये सब फंक्शनलिटीज कैसे दे सकते हैं। हाँ आपको और एक अच्छी चीज बताता हूँ गाइस, जो भी फ्लटर रिलेटेड जॉब्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं दे कैन ऑलवेज गो ऑन लिंक्डइन एंड फॉलो मी, मैं वहाँ पे फ्लटर रिलेटेड जॉब पोस्ट जो भी निकल रही होती है मैं वहाँ पे पोस्टिंग करता रहता हूँ, और मतलब वहाँ पे कई सारी फ्लटर रिलेटेड टिप्स, और लिंक्डइन पे आप ग्रोथ हैक कैसे कर सकते हो, आपका लिंक्डइन आईडी एकदम प्रॉपर मस्त प्रोफाइल कैसे बना सकते हो, यू कैन जस्ट गो ओवर देयर एंड सी माय प्रोफाइल एंड आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।